देखिए साधुओं की जमात बैठी है, दो बात दो देवता इंद्र महाराज और ब्रह्मा, ये बाबा सागर नाथ जी 500 रुपये इनाम के देते हैं, गुरुजियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। एक रागनी सुनी होगी तुमने दादा की, साहब सिंह के किस्से में, जब वो शेर खान सोमवती का धर्म बिगाड़ने के लिए जाता है तो एक दूती के पास जाता है, जब उसने नौकरी ना एक ऐसे ऐसे में राजपूतों की रानी सोमवती उससे मिलना चाहता हूं, नोबलेरिय मरवाओगा आप तो आप मरेगा गैल हम नहीं मरवाओगा, कर खामोश होश कर दिल में डूबेगा बिन पानी, रे नाम लेने तो धरती लड़ जावा राजपूता की रानी, उसके महल पर कहता परिंदा भी चला जाता उसके पर जल जाएंगे तू किसका नाम ले, और तेरे जिसे ना के अर्श होता है। एक उदाहरण दिया दादा ने उसने, ऋषि गौतम जी के की पत्नी का नाम अहिल्या था, बड़ी सुंदर थी वो, इंद्र महाराज ने और चंद्रमा ने मिलकर एक षड्यंत्र रच दिया कि इसका धर्म भ्रष्ट करेंगे। सुबह 4 बजे ऋषि गौतम जी गंगा स्नान के लिए जाया करते, रात ने 12 बजे चंद्रमा ने मुर्गे की आवाज निकाल के कुकड़ू कू कर दी, उसने सोची 4 बज गए और गंगा स्नान में चला गया नहाने के लिए। जब गंगा पर गया तो गंगा मैया ने कहा रे भाई तू आड़ा आ गया, देख तेरा घरा के हो रहा। ऋषि पैर से लंगड़े थे, भागते हुए गए, बताते हैं कि चंद्रमा के भागते हुए गए धोती मारी उसने, जब से ये दाग लाग गया और ये मुर्गा राज्य महाराजा का होया करता, इसको श्राप दिया जा तो भी नीच का होगा, और इंद्र के बगजानी सारे शरीर पर योनि के निशान हो गए थे, श्राप दे दिया था। इंद्र चंदा दोनों चाले मत के एक बात ने गौतम के घर पहुंच गए, वे जारी करण रात ने मुर्गा अपन चंदा ललकारिया घेरा दिया सात ने, जान पटी जब श्राप दे दिया मुश्किल हुई गात ने, नीच के मुर्गा चांद के शाही इंद्र के बगजानी, रे नाम लेने ते धरती लर्जवा रजपूता की रानी, उस श्राप से मृत लोक में उसकी संतान होती है, क्या उसका नाम था और उसके कौन कौन सी संतान हुई और कहां हुई क्या कहा।
देश मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। ऋषि श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व शहर होया। ऐसा चक्रवर्ती राज बताया के शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते। तीन उसके संतान हुई, जेठे बेटे राजा भर्तरी, छोटा बेटा विक्रम, एक उनकी बहन थी मैनावंती जो धारा नगरी के राजा पद्म सेन के ब्याही गई थी। वो धारा नगरी आज के समय में बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। किस प्रकार से उसका वंश चला क्या कहा एक बात, जिसके आगे जाके उस मैनावंती के गोपी चंद पैदा होया। ये गोपी चंद भर्तरी मामा और भांजा थे, कैसे बता दादा। ये सरपंच नाथ जी गुरुजी कटवाड़िया सराय से एक बार इनके भी दर्शन करने का मौका मिला था। बादरगढ़ एक बहुत बढ़िया साधु थे, उनके साथ गए थे निरंजनपुरी के साथ। गुरुजी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये नागे पीर गुरुजी बर्थल से 300 रुपये गुरुजियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। उसी घाट पे बकरी पानी उसी पे शेर पिया करता, सीलवान पन्नम दे रानी जिसके नार पति वरता, जेठे बेटे हुए भर्तरी दुनिया में चक्कर फिरता, मैनावंती कन्या जन्मी रूप देख चंदा डरता, मैनावंती कन्या जन्मी रूप देख चंदा डरता। तेरा पापुर पुण्य के तरसे तुलिए, पापुर पुण्य तरसे तुलिए, जैसे चकवा बैन होया चलिया हुआ। गांव से बाहर एक सरोवर बना रखा था। ये सत्य घुमनेड़ा से हमारे भाई 100 रुपये इनाम के देते, भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। उस सरोवर में दो घाट थे, एक जनाना और एक मर्दाना। सुबह दिन निकलने से पहले राजा रानी नहा करते। एक दिन गलती से मर्दाने का घाट में तो रानी ने स्नान कर लिया और जनाने में राजा ना आ गया। उल्ट कहानी बनेगी, राजा की तो रानी बनेगी। ये गुरुजी कालेनाथ जी महाराज जी मुरथल से 500 रुपये और देते गुरुजियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। ओए काम के गोरे, ओ काम के गोरे पड़िया सरोवर पेड़ खड़े ठंडी छाया, एक जनाना एक मर्दाना
तो घाट बने लागी माया, राजा रानी नाया करते ईश्वर की फिरगी माया, मर्दाने में रानी नागी जनाने में राजा नाया, मर्दाने में रानी नागी जनाने में राजा नाया, उस राजा की रानी बनी बने रहा। दुख मान गया, ऋषि महात्मा बुलाए, ब्राह्मण लोग बुलाए, महात्मा उन्होंने कहा कि महाराज दोबारा आप अपने घाट में ना लो, सब ठीक हो जाएगा। और वो भी गया, पर दिन का आ रहा दर्द, मर्द कई इस बात का दर्द बैठ गया। ये सरपंच नाथ जी गुरुजी 1000 रुपये पहले, 200 रुपये और गुरुजियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। कई बद अगे ये ओम्य पंडित जी दादा 100 रुपये इनाम के देते, दादा का बड़ा बड़ा धन्यवाद। कई बे आपस में झगड़ा हो जा और भाईचारा बैठ कर राजी नामा मिला दे, हाथ भी मिल जा, पर कई बगाल में दो गाल देख गया वो आदमी आगे तो आ जाना, भीतर भीतर दर्द होगा आदमी का। अरे पुस्तक कह कम नहीं, फिर भी भीतर दर्द बनेगा। रहा उस दिन मेरी सास का करड़ा बोल गया था, ओ दर्द ऐसा बैठा मरे पांडा छोटे राजा का, क्या कहा। कई दिन तक बहु बनिया रहा, फिर राजा के ध्यान होया, अपने दिल में सोचने लग्या क्यों करड़ा भगवान होया, राजा रानी चाल पड़े फिर दोबारा स्नान होया, कौन सी करनी मैं भंग पड़ गया नो राजा परेशान होया, कौन सी करनी मैं भंग पड़ गया नो राजा परेशान होया, अरे ऐसा झटका लग गया भूप पे, ऐसा झटका लग गया भूप पे ना राजा सहन होया। जब राजा का स्वर्गवास होया, छोटा बेटा विक्रम 8 साल का था,
राजा भरथरी का राज तिलक कर दिया। बताते हैं कि देवलोक में भी सबसे लोकप्रिय राजा हुए हैं राजा भरथरी। लेकिन एक कहानी, ये बाबा जी गुरु जी धर्मानाथ जी चलाना से समाधि नहीं ले गए बाके वाला। ये हमारे बड़े आदरणीय थे और शुरू शुरू में दारू भी नहीं सकाई थी, बहुत पुरानी बात है। 200 रुपये गुरुजियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इनके गुरुजी थे छोटू नाथ, बहुत सिद्ध साधु थे। धन्यवाद। क्या घटना थी उस समय की भी सब सुंदरी थी पिंगला। राजा भरथरी की पटरानी बनकर जिस दिन वो राजमहल में आई उसी दिन से उल्टे पासे पड़ने लग गए, नाश होने लग गया। क्या कहा दादा ने, जब 8 साल का होया विक्रमा राजा स्वर्गवास होया, जेठा बेटा भूप भरथरी सब विद्या में पास होया, सत्काराज करया करता न्यू देव लोक का खास होया, पिंगला रानी आई घर में जब तक सच्चा नाश होया।